नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आखिर जिस बात का डर था दोस्तों वही घटना होने जा रही है आने वाले अगले दो दिनों के भीतर। जी दोस्तों, आने वाले दिन आपके पूरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख देगा, क्योंकि यह समय अंतराल में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ घटेगी जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचे नहीं होंगे और ना ही कभी आप लोगों ने विचार किए होंगे। जी दोस्तों, तो ऐसे में अगले ये दो दिन आप लोगों को बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकताएं होंगी, नहीं तो आपके पूरे परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति भी आ सकती है, अर्थात आपके पूरे परिवार में बहुत बड़े संकट भी आ सकती है। तो ऐसे में आप सभी लोग समय रहते हो चाहिए सावधान, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो आप लोग जिंदगी भर रोते रहोगे। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आए दोस्तों के जान लेते हैं कि आने वाले इन दो दिनों के अंदर आने के दिनांक 10 और 11 नवंबर को आप लोगों को कौन कौन सी बड़ी बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, तो कौन कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना आप लोगों को यह समय करना पड़ेगा। दोस्तों साथ ही या दो दिनों के समय अंतराल में आपके ज़िंदगी में कौन कौन से बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटने वाली हैं, साथ ही या दो दिनों के समय अंतराल में आप लोगों को किन किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होंगी, तो किन किन क्षेत्रों से आप लोगों को इसमें नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों साथ ही या दो दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े और मुख्य परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ भी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों साथ ही आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े बड़े महत्वपूर्ण बदलाव भी या दो दिनों के समय अंतराल में होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही बात करेंगे या दो दिनों के समय अंतराल में आप लोगों का बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय कैसे रहेगा और घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा। दोस्तों सारी के सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे पूरी विस्तार पूर्वक से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले भगवान शनिदेव के सभी सच्चे और अच्छे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही उन सभी से आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में तीन लोगों को कभी भी नहीं भूलने चाहिए, पहला जो मुसीबत में साथ देने वालों को और दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और तीसरा मुसीबत में डालने वालों को। जी दोस्तों इन तीन लोगों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में याद रखना चाहिए। जो दोस्तों और दोस्तों की समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का जीवन में अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। दोस्तों अगर आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए ज़िंदगी में दोस्तों आप इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर भगवान श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो, सही लगा हो और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में प्रेम से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं आने वाले इन दो दिनों के समय अंतराल में आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएँ घटने वाली हैं, साथ ही कौन कौन से बड़े बड़े मुख्य परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से बड़े बड़े खुशखबरियां आपको भगवान शनिदेव यह समय अंतराल आपको देने वाले हैं। दोस्तों आने वाले दो दिनों का समय आप लोगों के लिए कठिन समय साबित होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सफलतापूर्वक संतुलित नहीं कर पाएंगे और यह आपकी मानसिक शांति और स्थिरता में रुकावटें भी डाल सकते हैं।
हालांकि आप समान रूप से जीवन के बारे में आशावादी बने रहने की कोशिश करें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें, वरना गलतफहमी और झगड़े हो सकते हैं। हालांकि अपने माता पिता को आप पर गर्व भी होगा, और इसके अलावा उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश भी आप करें तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और या समय आसपास की किसी भी जगह पर घूमने का प्लान भी बनाएंगे, और इस दौरान अपने काम को गंभीरता से लें, अपने सभी काम पूरे करें और नए अवसरों की तलाश भी आप करें। दोस्तों, इस प्रकार आपके सीनियर्स आपके वर्किंग शेड्यूल से प्रभावित होंगे। यदि आप एक ही स्थान पर वर्षों से नहीं बिताना चाहते हैं तो आपको असाधारण कार्य करने होंगे। आपको अपने वित्त को नियंत्रित करने की आवश्यकताएं भी हैं। इसके साथ ही स्थिर भविष्य के लिए जितना हो सके सेविंग करें, और आपके पार्टनर को भी आपकी समस्याओं और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। और यह समय आपके परेशानियों के साथ आने वाला है। हालांकि आपके पास जीवन में कुछ बहुत ही शानदार करने की भी भावना है। अगर आप ठान लें तो आपको लक्ष्य हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस बात को समझें और उसके अनुसार ही कार्यों की योजनाएं बनाएं तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों, व्यवसाय में कोई भी समस्या आने पर अपने वसूलों सिद्धांतों से किसी भी तरह का समझौता ना करें, और किसी काम में रुकावटें आने पर नैतिक संपर्कों का सहयोग लेना आपके लिए उचित भी रहेगा। हालांकि सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी सहयोग यह समय आपके लिए बना रहेगा। और दोस्तों, साथ ही यह समय आप लोग उन लोगों से बेहद ही सावधान और सतर्क रहें जो आपके खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं, हमेशा आपको किसी न किसी मुसीबत में डालने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यह समय भी आपके खिलाफ कुछ बड़ी साजिश और कुछ बड़ी मुसीबतों में डालने का आपको प्रयास भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग उन लोगों से 10 कदम दूरी ही बनाकर रहें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों, साथ ही यह समय आप किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी मामले में किसी भी अजनबियों पर या फिर किसी भी इंसान पर भरोसा और विश्वास बिल्कुल ही मत करना, वरना आप यही भरोसा और विश्वास आपको ले डूबेगी, अर्थात आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको किसी बड़े संकट में इसमें डाल सकते हैं। तो यह समय आप इन बात का ध्यान रखिएगा, और किसी भी इंसान के ऊपर यह समय आप विश्वास और भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ ही इन दो दिनों के समयांतरण में अगर आप लोग कोई भी वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय आप लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक से चलाएं, अन्यथा आपके ज़िंदगी में कुछ बड़ी अनहोनी भी हो सकता है। तो ऐसे में जितना आप लोग सतर्क रहेंगे तो आपके लिए उतना ही बेहतर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इसमें करियर के क्षेत्र में आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, इसमें आपके ज़िंदगी में अचानक से कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरियां आएंगी जिसे सुनकर और देखकर आप और आपका पूरा परिवार खुशी से नाच उठेंगे, खुशी से झूम उठेंगे। जी दोस्तों, और आपके जो कार्य सालों से अटका पड़ा हुआ था या फिर जिस कार्य में आपके हमेशा बाधाएं आती रहती थी, दोस्तों अब वे सारे परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेंगी और आपके ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल जाएगी।